है महेंद्र? खाने में से खुशबू जानी पहचानी आ रही है। अरे तुझे तो पानी से भी जानी पहचानी खुशबू आती है। मैं सच बोल रही हूँ महेंद्र। तो तेरा बेब ने डूबी रहना। ऐश्वर्या बेटा ये चादर तो हटा, अब किसका इंतजार हो रहा है? पापा जी वो अभिषेक का इंतजार कर रही हूँ, वो कुछ लाने के लिए गया है। एंड टाइम पर अबे। अभिषेक बेटा इस बिचारी ने कब से खाना तैयार करके रखा है, तू क्या लाने गया था? पापा पहली बार इसने अपने घर में खाना बनाया ना, तो तोहफा तो देना ही चाहिए। ऐश्वर्या ये तुम्हारे लिए। अच्छा तो खाने की मुंह दिखाई हो रही है? जोयू ने महेंद्र कितना परंपरावादी लड़का है। और अन्ना भाई इसको नालायक कहते हैं, बताओ। अरे ये तो गायत्री की ड्रेस है। ऐश्वर्या अगर तुम्हें एतराज ना हो तो। नहीं नहीं मुझे क्या एतराज हो सकता है, मैं तो अपने आप को बहुत खुशनसीब मानती हूँ जो आप लोग मुझे गायत्री की जगह दे रहे हैं। मैं इसे पहन कर आती हूँ। I'm sorry गायत्री, लेकिन ये करना जरूरी था क्योंकि तुम्हें भुला तो मैं नहीं सकता, इसलिए नजरअंदाज कर रहा हूँ। चलो आप गेम खेलते हैं कि नहीं? बोलो हाँ। पैसे का गेम खेलते, चलो पैसे लेके आते दुकान से, चलो। इनकी नजर हमेशा पैसे पे ही रहती है। लार गोटिया। भाई 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 मैं तो कहती हूँ कि चलो छुपा छुपी खेलते हैं ना। हाँ हाँ नहीं लंगड़ी खेलते, लंगड़ी मुझे आता भी है, ये देखो। अन्ना लेकिन छुपा छुपी भी अच्छा था। अरे पर लंगड़ी भी अच्छा ही है, है कि नहीं कृष्णा? लंगड़ी बोलना। अरे लंगड़ी खेलने से होगा एंटरटेनमेंट, छुपा छुपी खेलने से भी होगा एंटरटेनमेंट, तो छुपा छुपी लंगड़ी एक हुए। आई की चुप्पी और मुर्गी की टंगड़ी एक हुए। अभी कृष्णा इसको बोलो अगर ये गाना भी ना बोलेगा ना तो फिर मैं नहीं खेलूंगा। अरे लेकिन कृष्णा खेलना क्या ये तो अभी तक डिसाइड ही नहीं हुआ। अरे लंगड़ी खेलना ही निर्णय हो गया ना आप प्रति। लंगड़ी ओके ओके लंगड़ी डन। वाह 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 मजा आ गया। अले पापा। हाँ थैंक यू। हाय हाय इतनी सी देर में तूने इतनी सारी डिशेस बना ली। अरे उर्मिली मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि तू इसकी तारीफ कर रही है या कंप्लेंट। मम्मी जी पहले खाना खाइए उसके बाद जो कहना है वो कहिए। ये सही कहा तूने। शुरू करते हैं ढोकला से। अन्नपूर्णा बिल्कुल सही कहा तूने, है ना? बिल्कुल साक्षात अन्नपूर्णा है हमारी ऐश्वर्या। लिख ले तू टिकट फ्रॉम मी। अरे ना ना एम नहीं हवे। महेंद्र मैं ये कह रही हूँ कि इस खाने का स्वाद हमारे बाजू के पेट की अन्नपूर्णा होटल जैसा है, सेम टू सेम। क्या बात कर रही तू? मेरी नजरें धोखा खा सकती है महेंद्र, लेकिन मेरी जबान नहीं। बेटा एक बार कहीं का खाना मैं चख लूं फिर जिंदगी भर उसका स्वाद नहीं भूलती। उर्मिला की ये बात तो सही है। ऐश्वर्या बेटा मुझे स्वाद में कुछ पता नहीं चलता, लेकिन अगर ये कह रही है अन्नपूर्णा तो। लेकिन मैंने तो खुद इसे खाना बनाते हुए देखा था। अरे तो इसी से पूछ लेते हैं ना, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। तो बेटा ये खाना अन्नपूर्णा होटल का है नहीं? कितना चपड़ चपड़ करती है ये बुढ़िया, अब मामला संभाले की पड़ी। अभिषेक मम्मी जी सही बोल रहे, लेकिन मैं भी झूठ नहीं बोल रही। हाँ मैंने एक झूठ को छुपाने की कोशिश जरूर की है, वो क्या है ना पापा जी मम्मी जी कि खाखरा बेचने के पहले मैं अन्नपूर्णा होटल के किचन में काम करती थी, तो इसलिए I'm very sorry। सॉरी बोलने की क्या जरूरत है बेटा? हाँ। अरे ये तो अच्छी बात है कि तूने इतना अच्छा खाना बनाया कि उर्मिला को गलत फहमी हो गई।
इडूज के इडूज के अरे मैं आउट नहीं हूँ, ये भारती का हाथ नहीं लगा, उसने है ना पाव नीचे रख दिया, तो मैं आउट नहीं हूँ, है ना कृष्णा, नहीं होना मैं आउट। अन्ना चीटर 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 कुछ भी बोलते हैं, अच्छा चल ठीक है, चल चलो पर चलो वापस इतने दिनों के बाद कृष्णा को इस तरह खिलखिलाते हुए देखा। संभाल लिया। अभी देखना जोत्सना, ये लड़का है ना हमारी गायत्री को ऐसे ही जीवन भर संभालेगा, है कि नहीं बोलो। हाँ अरे out! लेकिन मैं तो सिर्फ आउट 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 आउट। अभी इसे क्या हो गया? मजा आ रहा है ना बड़ा? बहुत, खेलने से ज्यादा तो देखने में मजा आ रहा है। कृष्णा तो वो मजा तेरे नाना नानी को, तेरे पापा को भी लेने दे। हाँ देखने का मजा, वो क्या करते है वीडियो कॉल ली, वीडियो कॉल लगा तो वीडियो कॉल है। फैंटास्टिक आइडिया ना। हाँ अत्यारे कौन फोन करे छे? ओहो अन्ना भाई, लगता है फिर से कुछ दिखाना चाहते हैं, लेकिन दिखाएंगे ऐसे जैसे गलती से फोन लग गया। हम भी दिखाएंगे पापा अपना फैमिली लंच, हम भी तैयार है, चलो। अरे बराबर है, लाओ ना फोन दो, ले एक्सेप्ट कर। नाना जी, अरे मारा निक्रो, क्या कर रहे बेटा तू? अरे उर्मिला बहन, आपकी डिग्री देखो क्या कर रही है। अन्ना भाई, आप अपनी होने वाली बहू का जलवा तो देखिए, कितनी सारी डिशेस बनाई है हमारी ऐश्वर्या बेटी ने। खाने का मन करे तो आ जाइए, लाइफ सेट हो जाएगी आपकी। क्रिश, ये देखो तुम्हारी नई मम्मी। हाय। ये तो वही ड्रेस है जो मैंने चूज की थी। तो तुम्हें क्या लगा कि सिर्फ तुम ही मेरा ख्याल रखती हो? बड़ा एहसान जता रही थी ना तुम कि अपने ड्रेस की कुर्बानी देकर मेरे लिए ये टी-शर्ट खरीदी थी। मैं एहसान जता रही थी? अरे एहसान तो तुम जता रहे थे वो सड़ी सी ड्रेस लाकर। छकुली। देख मैं समझ सकता हूँ, तुझे अगर और समय चाहिए ना ले ले तो। हाँ मैंने पहले ही उसके साथ और उसके चक्कर में अपना बहुत समय बर्बाद किया है ना, अब एक भी और पल बर्बाद नहीं करना चाहती। आप चाहते हैं ना कि मैं प्रतीम से शादी करूं? मैं तैयार हूँ। अप्रतिम निर्णय लिया है तूने बाड़ा, अप्रतिम। तेरे इस निर्णय से तूने इससे पहले जो भी गलतियां की है ना, उस नालायक अभिषेक के चक्कर में आकर वो सारी गलतियां मिट जाएगी, देखना तू। मैं केशव और प्रभाकर को बोलता हूँ आगे की तैयारी बियारी करनी। किधर हो किधर तुम दोनों? मैं कभी से तुम्हारी राह देख रहा हूँ। मुझे तुम दोनों से अत्यंत महत्वपूर्ण बात करनी है। अले 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 अब इसको क्या हो गया?
आपने मुझे किसी महत्वपूर्ण काम के लायक समझे, ये सुनकर मुझे रोना आ गया। अंडा तुझे तो लेके ही जाना पड़ेगा ना, घर का सबसे बड़ा बेटा है तू। ले जाओ बेशक ले जाओ, चार धाम की यात्रा पे लेके जाओ इनको साथ में। मैं अकेला यहाँ पे वाड़ा दुकान सब मस्त संभाल लूंगा। कपड़ करंटिया, वाड़ा दुकान कुछ संभालना नहीं है, चार धाम बिरधाम की यात्रा पे नहीं जा रहा है कोई। वास्तव में बात ये है कि गायत्री ने अप्रतिम के साथ के रिश्ते के लिए हाँ कह दी है। लेकिन उसने तो पहले ही हाँ कर दी थी अन्ना। अरे वो तो ऐसे ही नाटक कर रहे थे, मैं गायत्री और अप्रतिम, सचमुच का को आप भी ऐसा कुछ नहीं था। गुजराती लोगों को उल्लू बनाने के लिए, ताकि वो कृष्णा को हम लोग से लेके ना जाए। सच में? ओह नट सम्राट, नट सम्राट, कमाल के कलाकार है अन्ना। मतलब मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि आप ये सब नाटक कर रहे हो करके। अभी मैं हूँ महान अभिनेता, तो क्या कर सकता है कोई। अच्छा सुन, सुनो, अभी हम तीनों को जाना है अप्रतिम के साथ में बात करने, सचमुच के रिश्ते की बात करने जाना है। अन्ना लेकिन आपने सब कुछ अच्छे से सोच लिया ना, लड़का तो ठीक है ना? अरे मेरी पारखी नजर पे विश्वास नहीं है क्या? सोने जैसा लड़का है, सोने जैसा, शुद्ध मराठी आपत्ति। बस तो फिर देर किस बात की, चलिए बात करते हैं अप्रतिम से। ससुरा अनवा तो सीधा संत है, लेकिन एक गायत्री का विश्वास जीतने में ससुरा तेल निकला जा रहा है, और हमरा वसूली का धंधा भी चौपट हो रहा है। एकदम शालीन स्वभाव का है, नरम आवाज में बात करता है। काबे, 2 हफ्ते से हम सकल नहीं दिखा है, तो तुमको हमारा नाम भी नहीं याद रहा। क्या मस्त मराठी नाम है, अप्रतिम। मुन्ना पांडे नाम है हमरा, कान खोल के सुन लियो। संस्कारी कितना है, सभ्य कितना है। अबे भैया जी गए तेल लेने, हम जो पूछ रहे हैं ना उसका जवाब दो। हफ्ता काहे नहीं पहुंचा बे? देखो बेटा, खुनवा पे बात कर रहे हैं ना, इसलिए शांति से समझा रहे हैं कि नगद नारायण पहुंचा दो, नहीं तो अगर हम गलती से वहां पहुंच गए ना, और गलती से कहीं तुम्हारा हाथ पांव टूट गया, तो हमको जिम्मेदार मत ठहराना। देखिए मैं मराठी आदमी हूं, लेकिन व्यवसाय को लेकर मैं कोई समझौता नहीं करूंगा। मैं आपसे फिर से कह रहा हूं कि अगर आपको बड़े ट्रक में मूर्ति लेकर जानी है तो आप जाइए, लेकिन अगर मूर्ति के हाथ पांव टूट गए तो फिर मुझे जिम्मेदार मत ठहराइएगा। वो मैंने आप लोगों को बताया था ना कि मैं एक मूर्तिकार हूं, तो गणपति का सीजन आ रहा है, तो उसी सिलसिले में बातचीत चल रही थी। अरे हाँ हाँ हाँ, कहा तो था तुमने, मूर्तिकार ने बीत कर बोला था इसने। तो अच्छी बात है ना अन्ना, हमारे लिए इस साल मूर्ति अप्रतिम भी बनाएगा, पैसे भी नहीं लेगा। एक लार घोटे कब्बा बच्चे। नहीं नहीं अन्ना, क्यों नहीं, आपसे पैसे लेकर मुझे खुद की नजरों में गिरना थोड़ी है। आपको जैसी मूर्ति चाहिए बता दीजिएगा, लेकिन अन्ना मैं मूर्ति इको फ्रेंडली बनाता हूँ, पर्यावरण का ख्याल रखते हुए। अप्रतिम जी अन्ना, अप्रतिम विचार है तुम्हारे, अप्रतिम। मैं ज्योत्सना के साथ विचार विमर्श करके आता हूँ कि कैसी मूर्ति चाहिए करके। ना अन्ना, अन्ना हम कुछ और बात करने आए थे ना। वो अप्रतिम, गायत्री ने शादी के लिए हाँ कह दी है। जीता रहे, चल 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 चल।
ए मुन्ना ज्यादा ओवर एक्टिंग मत कर, पकड़ा जाएगा किस दिन। इसमें नुकसान हमारे बाप का नहीं है, तुम्हारा है केशव गोखले। याद है ना कि अगर गायत्री का रिश्ता हमसे नहीं हुआ तो क्या होगा। इतनी सुबह सुबह किसका फोन है? निर्मिति बंद कर जरा। अन्ना इतनी सुबह लगो केशव कार्तिक। सुप्रभात अन्ना। अरे क्या है, सुप्रभात नहीं बी प्रभात। अरे जल्दी से आओ ना आंगन में तुम लोग। काय झालं? आंगन में बुला रहे हैं। जरूर कोई अशुभ समाचार होगा केशव। मुझे लगता है कोई तो भगवान को प्यारा हो गया है। तुम्हें कैसे पता क्या ऐसा ही हुआ है? अरे आपको याद नहीं, 2 साल पहले अन्ना ने ऐसे ही सुबह सुबह फोन करके तभी आवाज में सबको आंगन में बुलाया था। दामोदर काका कोल्हापुर के वो गए तभी। सुनिए ना, आपने आजकल में अपना गाना तो नहीं सुनाया ना किसी को? नहीं, दामोदर काका को जब हार्ट अटैक आया था उसकी पिछली रात आपने उनको गाना सुनाया था, इसलिए पूछ रही हूँ। सुनाया तो था 2 दिन पहले अपने सोलापुर वाले बालू काका को। लेकिन उन्होंने तो पहली लाइन सुनते ही भड़क के बोले कि गाना बंद कर वरना फोन में घुस के मारूंगा। अच्छा तो कौन गया होगा? नागपुर वाले वसंत काका। कुमार से कितने झुक गए थे बेचारे, आते जाते लोगों को लगता था कि उनका कुछ गुम हो गया है जिसे वो जमीन पे ढूंढ रहे हैं। अरे अरे निर्मिति रडू नको, वो फार्म हाउस में मुर्गियां पकड़ने का काम करते थे ना, इसीलिए वो ऐसे कमर से झुके हुए थे। हाँ मैं जब 7 साल का था ना तभी से वो ऐसे झुक के चल रहे हैं। नाम पता चल जाता ना तो एक सुंदर सा गाना लिख के अन्ना के सामने शोक व्यक्त करता, उन्हें कितना अच्छा लगता ना। ये सब छोड़िए, अभी चलिए आंगन में। चल जाऊन बगू, पता नहीं अन्ना किसके टपकने की खबर सुनाने वाले। चल उठ। नक्की कोई तो गया है। धीरे ही धीरे, सब लोग धीरे बात करेंगे। अन्ना कौन गया है? गया नहीं है, गई उर्मिला बहन। गप्पो बस। बरे। जाने की उम्र नहीं थी, मुझसे वादा किया था कि एक बार तुझे सही नाम से बुलाऊंगी, लेकिन उससे पहले भगवान ने बुला लिया। ए दुचकी बस, उर्मिला भाई को कुछ नहीं हुआ है। अरे लेकिन अभी आपने नहीं क्या बोला कि उर्मिला वही नहीं गई करके? अरे गई मतलब वो कल चुप चुप के महादेव पेट के मंदिर में पंडित जी से मिलने गई। कर्मदशा। पंडित जी से मिलकर उनको कह दिया है कि शादी ऐसे फटाफट फास्ट फॉरवर्ड में हो जानी चाहिए। इधर ही ये अन्ना भाई गायत्री की शादी अनंत चतुर्दशी के दिन करने की सोच रहे हैं ना, हम लोग आज ही दोपहर को कर डालेंगे। क्या घर में ही 7 फेरे? नहीं 7 नहीं 17 फेरे। नहीं 17 फेरे फाइनल। अरे डोबी इसमें क्या बढ़ा रही है तू? फेरे बढ़ेंगे तो शादी का टाइम भी तो बढ़ेगा। अच्छा तो मैं क्या कह रही हूँ, अभिषेक और वो लड़की अपनी, वो क्या नाम उसका, अपनी दिनचर्या। दिनचर्या? उर्मिली किसी लड़की का नाम दिनचर्या होता है क्या? उसका नाम ऐश्वर्या है। अभिषेक की शादी गायत्री से पहले हो जाएगी, शर्त के अनुसार क्रिश हमारे साथ आके रहने लगेगा और वो वांद्री गायत्री और अन्ना भाई हाथ मलते रह जाएंगे। मसल दूंगा दुश्मनों के सारे सपनों को, मसल दूंगा मैं।
उन लोगों को मालूम नहीं है कि महादेव पेटियो पंडित जी मेरा कितना सम्मान करते हैं करके। वो पंडित जी ने मुझे उन गुजराती लोगों की सारी प्लानिंग निबिनिंग बता दी है। वो लोग है ना, आज दोपहर में अभिषेक की शादी कराने की सोच रहे हैं। इसीलिए हम लोग अभी के अभी यहाँ वाड़े में गायत्री और अप्रतिम की शादी करवा देते हैं। अरे बाप रे, इनको अप्रतिम की असलियत नहीं पता है। अगर ये शादी हुई तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। रोक रोक केशव, इन्हें रोक।